एवरी वन वेलकम टू बायोलॉजिजम अकेडमी स्टूडेंट्स इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम ओके अकॉर्डिंग टू द सी मार्किंग स्कीम बिना वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो ही लीजिए स्लाइड आ गई आपके सामने पहली लाइफ प्रोसेस ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम विथ सी बी एस सी मार्किंग स्कीम ट्रिक्स ठीक है इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो सी बी एस सी मार्किंग स्कीम के हिसाब से कैसे स्टडी किया जाता है ठीक है कितना लिखना होता है कितना एक्स्ट्रा नहीं लिखना होता है क्योंकि टाइम बहुत कम होता है हमारे पास में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं है ना आप यकीन मानिएगा कि मैंने 80 आउट ऑफ बच्चे को गिन करके मुझे आज भी याद है उसने सिर्फ 11 पेज लिखे थे 11 या 12 बस इससे ज्यादा नहीं ठीक है मैंने उसको फुल मार्क्स दिए थे क्योंकि उसने अप टू द मार्किंग स्कीम लिखा था उसने जैसे पढ़ा था बिल्कुल मार्किंग स्कीम के हिसाब से था ठीक है ना ज्यादा ना कम बिल्कुल परफेक्ट मैनर में लिखा था उस बच्चे ने कापी जो लिखी थी खैर मैं चाहता हूं कि आप लोग भी ऐसी कापी लिखें तो आज का वीडियो शुरू करते हैं लाइफ प्रोसेस ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम विथ सी बी एस ई मार्किंग स्कीम तो पहला क्वेश्चन आपका बनता है कि व्हाट इज रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन क्या होता है और कहां कहां होता है ये कैसे होता है ठीक है अकॉर्डिंग टू द डिफिनीशन द प्रोसेस ये डिफिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यही डिफिनीशन आप लोग लिखेंगे ठीक है इसमें दोनों बातें आई हैं वो मैं आपको बताऊंगा ठीक है द प्रोसेस इन विच द ग्लूकोज इज ब्रेक डाउन इन टू द सिंपलर सब्सटेंसेज सच एज सीओ टू एंड वाटर टू गेट एनर्जी ओके यहां करने वाली है कि आपका ग्लूकोज है रेस्पिरेशन में की बातों की भी आगे आ जाएगा ठीक है ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन टू सिंपलर सब्सटेंस सांस लेना सांस छोड़ना मत लिख दीजिएगा बच्चे बहुत सा बार ये गलती कर देते हैं कि वॉट इज रेस्पिरेशन अच्छा उनकी भी गलती नहीं होती उनको यह सिखा दिया जाता है शुरू से तो रेस्पिरेशन आपका टेंथ लेवल में थोड़ा सा अलग है आपको यह डिफिनेशन लिखनी होगी द प्रोसेस इन विच द ग्लूकोज इज ब्रेक डाउन इन टू सिंपलर सब्सटेंस आप कार्बन डाइऑक्साइड वाटर नहीं भी लिख रहे हैं लेकिन अगर आप ये लिख रहे हैं ठीक है सिंपलर सब्सटेंसेस ठीक है तब भी काम हो जाता है तब भी आपके आपको मार्क्स मिलते हैं अलॉट होते हैं इन द प्रेजेंस और ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन टू गेट द एनर्जी ये लास्ट वाला जो पॉइंट आया है हमारा ठीक है दिस वन एनर्जी ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है क्योंकि ये एनर्जी का आना बहुत जरूरी है इस पूरी डिफिनीशन में क्योंकि ये पॉइंट बनता है भाई ये मार्किंग स्कीम में रहता है ओके टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन क्या के कितने टाइप्स होते हैं नंबर वन रेस्पिरेशन दूसरा एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है मैं पता ही वाली बात एन एरोबिक जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में होगा और एनारोबिक जो ठीक है एबसेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा ठीक है तो ये डिफिनीशन याद रखिएगा सिंपलर सब्सटेंस इज द की पॉइंट

ठीक है ये पूरा एरो के साथ में पूरी इक्वेशन लिखनी पड़ेगी ठीक है और ये इन साइटोप्लाज्म इसका भी हाफ मार्क्स है पायरो तक सब लेकर के जाना है ठीक है एंड देन ऑक्सीजन देन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एक नंबर की आपकी डिफिनेशन ये पूरी इक्वेशन होती है और एक नंबर की आपकी ये ऊपर वाली हो जाती है लेकिन उसमें पॉइंट आपका आना चाहिए एरोबिक अगर पूछा है तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जरूर बताएं आप उसमें ये वाला ठीक है ब्रेक डाउन इन सिंपलर सब्सटेंस लिखेंगे तब भी कोई टेंशन नहीं होगी एनारोबिक रेस्पिरेशन एनारोबिक रेस्परेशन द प्रोसेस इन विच द ग्लूकोज इज ब्रेक एंड डाउन इन टू एथेनॉल नोट कर लीजिएगा टेक्नीशियन को एथेनॉल और लैक्टिकसिड एक्सेट्रा बहुत सारे अलग अलग कंपाउंडर भी बनते हैं डिपेंड्स ऑन द बैक्टीरिया एंड द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन द प्रोसेस ठीक है इन द प्रेजेंस और ऑफेंस सॉरी इन दबसेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन जहाँ पर ऑक्सीजन की मौजूदगी ना हो ठीक है यहां पे ऑक्सीजन की मौजूदगी नहीं होगी ठीक है द प्रोसेस इन विच ग्लूकोज इज ब्रेक डाउन इन टू एथेनॉल और लैक्टिक एसिड इन अब्सेंस ऑफ ये पॉइंट नोट कर लीजिए आप लोग ये वाला ये आपका की पॉइंट है और ये रही आपकी इक्वेशन ये प्रोसेस ठीक है अपनी डिफिनीशन और इतना आपका ग्लूकोज इन साइटोप्लाज्म इतना कॉमन रहेगा बार बार ठीक है ग्लूकोज इन पायरोट तक फिर एथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी यहां पे एनर्जी में सिर्फ टू एटीपी ऑफ मॉलिक्यूल सी मिलते हैं ठीक है आगे आते हैं ये देखिए अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और किसमें हो रही है ये प्रोसेस हमारी में हो रही है ये देखिए अब एक क्वेश्चन बनेगा उस वाले पैराग्राफ से जो एनसीआर में दिया गया है ठीक है वाई द ब्रीथिंग रेट इन इक्वाटिक एनिमल्स हैज बी फास्टर देन दैट इन टेरिस्ट्रियल एनिमल्स ये ब्रीथिंग रेट फास्टर ठीक है क्यों होता है आपके एक्वाटिक एनिमल्स में देन द टेरिस्ट्रियल यानी जो जमीन के ऊपर रहते हैं उनमें सबसे ज्यादा क्यों होता है ऐसा क्यों है ठीक है तो आंसर क्योंकि वो पैराग्राफ छूट रहा था वहां से, वहां से पे क्वेश्चन बनता है वो मुझे पता है है कि ये वाला क्वेश्चन बनता है उस वाले पैराग्राफ से जब आप रेस्पिरेशन की बात हो जाएगी पूरी और उसके बाद ये द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजॉल्व अब ये वाला की पॉइंट हो गया आपके लिए दैट इज की जहां पे मैं की पॉइंट यूज करूंगा वो समझ जाएगा वो टर्म है तो आपके लिए ये की पॉइंट ये रहा आपका ठीक है दिस वन ऑक्सीजन डिसॉल्वड इन इन वाटर लेस देन ठीक है ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन एयर देयरफॉर द रेट ऑफ ब्रीथिंग इन एक्वाटिक एनिमल्स हैज टू बी फास्टर देन इन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जैसे कि फिशेस सिंपल सा फंडा है समझ लीजिए इस क्वेश्चन के आंसर को पहले आप लोग ठीक है मेटल लेता हूं पहले मिनट में जरा हाइलाइटर ऑन कर लेता हूं तो ज्यादा आसानी रहेगी अब सही है ठीक है यहाँ पे देखिए डिजोल्ड ऑक्सीजन की जो बात की है यहां पे ये ये वाला, ये वाला वाला पोर्शन है है अपना ये आपके लिए की पॉइंट ठीक है ठीके? यही सबसे पहले मैंने भी क्वेश्चन चेक किया मैं सबसे पहले क्या करता हूं कि अगर ये क्वेश्चन रहा रह, रहता ही है ठीक है मोस्टली रहता है नहीं होता तो वहां पे जहां पे काफी हम लोग चेक कर रहे होते हैं वहां पे बहुत सारे सेट होते हैं तो मतलब अलग अलग रीजन से अलग अलग सेट होते हैं तो वहां पे मार्किंग स्कीम सारी मिल जाती है बहुत ऑब्जर्व किया उस चीज को तो लगभग लगभग मैं ले भी लेता था ठीक है ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा बेटर प्रोवाइड करवा सकूँ अपने बच्चों को ठीक है ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर लेस देन ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर क्योंकि जो ऑक्सीजन पानी के अंदर है वो डिजोल्व फॉर्म में है वो बहुत कम मात्रा में है और जो मछलियाँ होती हैं तो वो ऑक्सीजन को कंपनसेशन के लिए वो जल्दी जल्दी ब्रीथ करती हैं ठीक है इसीलिए उनका ब्रीथिंग रेट जो होता है बहुत ज्यादा हाई होता है तेजी से सांस लेती हैं डिजॉल्ड ऑक्सीजन की ठीक है ताकि अंदर जा सके और वो जिंदा रह सकें लेकिन टेरिस्टियल तो फ्रेश ऑक्सीजन लेते हैं उनमें इतनी ज्यादा ठीक है जो ब्रीथिंग रेट है उनका कम होता है ज़ाहिर सी बात है हाँ जब हम कोई एक्सरसाइज कर रहे हो दौड़ रहे हो भाग रहे हैं तो हमारा ब्रीथिंग रेट बढ़ जाता है क्योंकि हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है ठीक है और ये दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके लिए दिस वन बिसाइड बिसाइड दिस दिस मैंने यहां यहां से से लिखा है कि यूज फ्रेश फ्रेश ऑक्सीजन इन बिसमोस्फेर फॉर रेस्पिरेशन एंड हैव लंग्स ठीक है उनके पास में क्या होते हैं लंग्स होते हैं ये दूसरा पॉइंट आप चाहें तो लिख दें नहीं तो कोई बात नहीं ठीक है ये बता दिया मैंने कि ऐसा क्यों है आपका उतना वाला ही हिस्सा चेक हो जाएगा लेकिन एक बात जो है वो टिप्स है आपके लिए आप एग्जाम्पल देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा एग्जाम्पल फिशेज ठीक है डिस्क्राइब द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाई वेरियस पाथवे ठीक है ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके तीन हिस्से हैं आपके लिए ये रहा देखिए ग्लूकोज जो है वो यहां से आपको ब्रेक डाउन करना है ठीक है इनसेटोप्लाज पायरो तक लाओगे हाफ मार्क्स हो गया ठीक है अब ये यहाँ से हाफ मार्क्स हुआ यहाँ से हाफ मार्क्स हुआ यहाँ से हाफ मार्क्स तो एक नंबर तो ये हुआ और एक एक आधे आधे नंबर के ये हो गए दो नंबर का तुरंत हो गया ठीक है समझ गए पायरुवेट पे हाफ मार्क्स मिल रहा है आपको एथेनॉल पे हाफ मार्क्स मिल रहा है लैक्टिक एसिड पे मिल रहा है और इधर कार्बन डाइऑक्साइड पे हाफ मार्क्स मिल रहा है चार हो गए चेक किया है इसलिए पता है बेटा ठीक है लेकिन ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कभी कभी वो हाफ इसको मैं अगर पूछूं ठीक है सही बताऊं तो मैं यहाँ पे ठीक है ब्रैकेट दे दूँ ए बी सी डी कर दूँ फिर वो फिलअप करवा लें ठीक है एक क्वेश्चन तो ये तरीका हो सकता है ठीक है या फिर एक एक इक्वेशन लिख देंगे उसमें आपके लिए फिलर्स भर दें आपको फिलर्स करना होगा उनको फिल करना होगा पूरी तरीके से ठीक है या फिर वो पूरा बनवा लेंगे आपसे तो ये दो नंबर में रहेगा आपको याद रखना पड़ेगा पूरा आसान है देखो अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है ईस्ट में योगे पीछे आप लोग डिफिनीशन देखी थी इसकी तो एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा लेकिन यहाँ तक आपको सही करना पड़ेगा ये ठीक है एग्जामिनर जो होते हैं हम लोग के वो कहते हैं कि अगर ठीक ठाक है ये हम लोग की अपनी श्रद्धा होती है ठीक है कि आप बच्चे को नंबर दे दें ठीक है होता है एथेनॉल तक बच्चे कभी कभी लिख देते हैं कभी कभी नहीं भी लिखते हैं ठीक है लेकिन लैक्टिक एसिड एनर्जी आप बेहतर लिखेंगे तो आप क्यों किसी को नंबर काटने का मौका दो है ना पॉइंट है आप मौका ही मत दो आप सारा कुछ लिख करके आओ सही बताओ लेकिन अच्छा और सच्चा लिख के आओ ठीक है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है अक्सर पूछा जाता है ये अक्सर अब आता है अपना सिस्टम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम व्हाट इज ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पहला क्वेश्चन आपके लिए राइज होता है इट इज द सिस्टम ठीक है इन विच द ह्यूमन बींग्स टेक्स इन ऑक्सीजन आप देखो यहां से शुरू हुआ ये ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन ठीक है एंड रिमूव्स कार्बन डाइऑक्साइड एज ए वेस्ट मटेरियल फ्रॉम लंग्स ये परफेक्ट डिफिनीन है अगर आपसे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पूछ रहे हैं तो आपको बच्चों ये जरूर बताना होगा आधी बात बताइएगा कि ब्रीथ इन ठीक है ऑक्सीजन का सिर्फ अंदर लेना बच्चे आधी बात नहीं ये वाला जो पॉइंट है आपका रिमूव द ऑक्सीजन एज ए वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड एज ए वेस्ट मटेरियल फ्रॉम लंग्स एंड ऑक्सीजन टेक्स इन ये आपके की पॉइंट है समझ गए कि इसमें लिखा होता है टेक्स इन ऑक्सीजन ये चेक कर देना ठीक है रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड स्लैश में चेक कर देना फ्रॉम लंग्स ठीक है इतना वहां पे लिखा रहता है आराम से वहाँ पे आप देख ही मार्किंग्स की बच्चे का ये है तो सर्थ, 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 चेक करते हुए निकल गए हम लोग ठीक है पार्ट्स ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कॉन्सेप्ट क्लियर होना बेटा बहुत अच्छी बात होती है आप अलग अलग जगह से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए लेकिन मेरे हिसाब से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए आपका और उस कॉन्सेप्ट से सीबीएसई हमसे क्या पूछता है और उस सीबीएसई को फीड हम क्या करें ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ठीक है पता चला है कॉन्सेप्ट तो पूरा क्लियर है लेकिन सीबीएसई ने कुछ ऐसे क्वेश्चन घुमा के पूछ दिया तो हमें नहीं आते थे ठीक है अभी तो मैं सिर्फ अपनी सिलेबस पे चल रहा हूँ अभी प्रैक्टिकल वाला एरिया तो बाकी है अपना वो भी हम लोग कवर जरूर करेंगे एक्टिविटीज वाला बता जरूर दूंगा कि उसमें से क्या आता है और हम लोग को एक्टिविटीज में क्या चेक करते हैं हम लोग ठीक है तो वीडियो के साथ आप लोग बने रहिए पार्ट्स ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम नॉस्ट्रिल्स अब देखिए यहाँ पे अगर वो पूछेंगे तो हो सकता है तीन नंबर में पूछ दें नोस्ट्रिल्स दीज आर टू ओपनिंग्स प्रेजेंट एट द लोअर एंड ऑफ द नोस ये तो इसकी बात हो गई कि ये कहाँ पे होती हैं दीज आर फॉर इनहेलेशन ये सांस लेने के काम में आती हैं ठीक है थीके? तो इनहेलेशन जो है वो हमारा की पॉइंट है यहाँ पे ठीक है और ये दो ओपनिंग्स हैं टू ओपनिंग्स प्रेजेंट एट द लोअर पार्ट ये दोनों पॉइंट सट चेक होते हैं फिर दूसरा पॉइंट आता है नेजल पैसेज वही मैंने बेटा दिए हैं जो आपके डायग्राम में है, है. मेंशन पहला पॉइंट एंड द एयर इज पासिंग थ्रू द नोस्ट फिल्टर ये देखिए ब्लू कलर का है भी और मैं यहाँ पे हाईलाइट भी कर रहा हूं उस चीज को ठीक है दिस फिल्टर्ड फाइन हेयर लिखा हुआ होता है ठीक है बच्चे ने मेंशन किया नहीं किया एंड प्रिवेंट द एंट्री ऑफ डस्ट पार्टिकल तुरंत चेक हो गया दे हैव सेकंड पॉइंट दे हैवे म्यूकस ठीक है लाइनिंग किसकी होती है म्यूकस की होती है ठीक है जो कि क्या कर लेती है हमारे ट्रैप कर लेती है डस्ट पार्टिकल को मदद कर देती है इसमें तो हमारे अंदर फ्रेश एयर ही जाती है जितनी धूल जा रही थी वो सब ट्रैप हो जाती है उसके बाद में जितने भी बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो म्यूकस उनको भी खत्म कर देता है ठीक है इट इट्स अपर पार्ट ये मैंने बाहर का थोड़ा सा बता दिया लेकिन आपके लिए मददगार है इट्स अपर पार्ट हेल्प इन स्पेलिंग ठीक है स्मेलिंग आप करेंगे जब उसमें मदद करता है आपके लिए नेजल पैसेज का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो हमें सूंघने के काम में आता है ठीक है ये रहा देखिए दिस वन नेजल कैविटी ये है बेटा ये वाला ये वाला जहां पे मेरा कर्सर है दिस वन ये है नेजल कैविटी ये नॉस्ट्रिल्स आगे के हैं ठीक है ये अपने काम का है बस इसके बाद एपिग्लॉटिस आ रहा है फेरिंग्स पीछे डाइजेशन में इसका जिक्र हो चुका है लेकिन फिर भी इट इज फनल शेप पार्ट वेयर द फूड एंड एयर पैसेजेस क्रॉस ईच अदर एक दूसरे को क्रॉस करते हैं ड्यूरिंग सोलोइंग ऑफ फूड बोलस जब हम निवाला निगलते हैं इट कैन बी क्लोज बाई लीफ लाइक फ्लैप कार्ड द एपीग्लॉटिस टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ फूड इन विंड पाइप ठीक है इसका काम आपको लिखना होगा और इसका की पॉइंट हैं आपके वे आर द फूड एंड एयर पैसेजेस क्रॉस ईच अदर यह की पॉइंट हो जाता है और ये बताना पड़ता है आपको ड्यूरिंग ऑफ फूड बोलर कैन बी क्लोज एंट्री प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड बाई विंड पाइप ठीक है आप खाली डायरेक्टली भी लिख सकते हैं प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इन विंड पाइप हमने तो बता दिया आपको अच्छाई के लिए कि हाँ थोड़ा बच्चा ज्यादा लिख करके आएगा तो बेहतर हो जाएगा इसमें से यहीं पर से फेरिंग्स के बारे में ठीक है अगर ऊपर वाला कोई एक पॉइंट बोले तो चल जाएगा ये ठीक है लेकिन इतना भी आपने लिख दिया है प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इन द विंड पाइप आपको मार्क्स मिलेंगे ठीक है अब देखिए ये बड़ी मुसीबत से मुझको मिला है ठीक है देखिए जहां जहाँ पे ये बार बार एपिक्लॉटिस जहां पे मेरा कर्सर है देखिए एक मिनट में जरा कर्सर को चेंज ही करता हूं लेजर पॉइंटर लेता हूं अब सही है देखिए ये बंद हो रहा है देखिए यहाँ टच कर रहा हूँ मैं ये बंद हो रहा है देखिए देखिए ऊपर से निवाला आता है सब पीले पीले कलर का और ये बंद हो जाता है ये फायरिंग्स का काम होता है आप समझ गए ये वाला हिस्सा ये 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 कर्सर है जहाँ पे मेरा ये ये देखिए तुरंत बंद हो गया ये ये बंद हुआ देखिए उठ गया बंद हो गया ठीक है ये काम करती फायरिंग्स हमारा और हाँ जब हम ये पिछले वीडियो में मैंने बताया भी था कि जब हम खाना खा रहे होते हैं या हम लोग पानी पी रहे होते हैं तो बोलना नहीं चाहिए वो इसी इसी का रीजन होता है बोलोगे तो विंड वोकल कॉर्ड में आपकी हवा जाएगी हवा जाएगी वाइब्रेशन होगा साउंड प्रोड्यूस हो जाएगा लेकिन जब आप बोल रहे हो तो एपिग्लॉटिस ओपन हो गया खुदा ना खासा पानी का बूंद या निवाले का हिस्सा चला गया तो खास खांस के हालत बुरी हो जाती है हमारी रिफ्लेक्स एक्शन ठीक है फिर आता है लैरिंग्स ये भी एक हिस्सा है आपका इट इज कार्टिलीजीनस बॉक्स ये लिखना पड़ेगा आपको विच हेल्प इन साउंड प्रोडक्शन इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए ये वाला इतना ठीक है साउंड प्रोडक्शन चेंज कर लेता हूं मैं हाईलाइटर ले लेता हूं ठीक है साउंड प्रोडक्शन में ठीक है एंड इट इज कॉल्ड द साउंड बॉक्स ठीक है आप डायरेक्टली इतना लिख सकते हैं कि लैरिंग्स हेल्प इन साउंड प्रोडक्शन ठीक है तब भी आपके मार्क्स पक्के हैं तो ये देखिए आपके लैरिंग्स कहाँ पे होता है ये देखिए लीफ लाइक -like स्ट्रक्चर की हमने पीछे बात करी थी वो लीफ लाइक -like स्ट्रक्चर ये है बेटा जैसे ही आप निवाला ठीक है अंदर लेते हैं तो ये लीफ लाइक -like स्ट्रक्चर पीछे तुरंत बंद हो जाता है ठीक है और हमारा विंड पाइप क्लोज हो जाता है तो ये है आपका पूरा हिस्सा लयरिंग्स का जहाँ पे दिख रहा है आपको दिस वन ठीक है ये है हमारा साउंड प्रोडक्शन यूनिट बेसिकली बोल सकते हैं यहाँ से हमारी आवाज़ निकलती जो आप सुन रहे हैं आप बातचीत कर रहे हैं क्लियर ट्रैकि नीचे दिया गया है ट्रेकिया रिंग्स ऑफ कार्टिलेज दिए गए हैं इसका बड़ा रोल है देखिए आगे भी है ट्रेकिया विंड पाइप इट इज लॉन्ग नैरो एंड ठीक है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर 11 से 12 सेंटीमीटर का लंबा हुआ होता है जो कि नेक से लेकर के हमारे लंग्स तक मौजूद होता है जहां तक प्राइमरी हमारी प्राइमरी ब्रोंकाई नहीं आ जाती इट इज सपोर्टेड बाई ये पहला पॉइंट तो यह हो गया इट इज लॉन्ग नैरो एंड ठीक है स्ट्रक्चर इतना लिख दिया आपने आपको मार्क्स मिल गया लेकिन दूसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इट इज सपोर्टेड बाय रिंग्स ऑफ कार्टिलेज ये होना चाहिए आपका और ये जरूर होना चाहिए बच्चों ये वाला कोलैप्सिंग ऑफ एयर ठीक है पैसेज ये बचाता है विच प्रिवेंट द कोलैपसिंग ऑफ एयर पैसेज अगर ट्रैकि या विंड पाइप ना हो ठीक है मैं उसमें रिंग्स ऑफ कार्टिलेज ना हो तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी कोलैप्स कर जाएगी इस तरीके से हमारी जो इन फाइप है पूरी तरीके से तो फिर हमें सांस लेने में दिक्कत होने लग जाएगी देखिए ये ट्रैकि है ये पूरी ट्रैकि है यहाँ से यहाँ तक यहाँ से यहाँ तक यह, ये ये प्राइमरी ब्रॉन्का शुरू हो जाएंगे दो हिस्से में जो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं इस तरीके से और ये दिएगा यहाँ आपके रिंग्स ऑफ कार्टिलेज वन टू थ्री फोर फाइव ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज हैं ठीक है थीके? अब देखिए मैंने इसमें आपको बताया है कि कहाँ पे बीमारी होती है देखिए दिस वन ये वाला हेल्दी वाला है बच्चों ठीक है दिस वन ये हेल्दी है बिल्कुल सही रिंग्स लगी हुई हैं और ये कोलेप्सड है देखो चिपक गया ये देखो मसल इधर आ गई पूरी अंदर की तरफ और ये नैरो ल्यूमेन कैसी हो जाएगी इसकी नैरो हो जाएगी पतली हो जाएगी जहाँ पे पतली हो गई बस दिक्कत आना या सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी ठीक है ये है कार्टिलेज ये पतले हो गए कोलेप्स हो गए चपटे हो गए और ये सही वाले हैं आपके है ना अब तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए खा, खास तौर से काफी कोशिश करी हमने आपका डाउट क्लियर करने की बच्चे कोलैब्स में कंफ्यूज रहते हैं हमारे टेंथ के कि क्या है ये मसला कोलेब्स का मतलब ठीक है मुझसे बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर कोलैब फिर उन्हें बताना पड़ता है इस तरीके से ठीक है प्राइमरी ब्रोंकाई दीज आर टू स्मॉल साइज ट्यूब्स जो कि हमारे ट्रैकिया जो होता है उसको डिवाइड करती हैं फॉर्म बाय द डिवीजन ऑफ ट्रैकिया एवरी प्राइमरी ब्रोंकस इंटर्स इन द लंग्स ऑफ़ इट्स ओन साइड ओके ये रहा आपका प्राइमरी ब्रोंकाई सॉरी प्राइमरी ब्रोंकाई में देखिए कि ये आपकी कहाँ से शुरुआत हुई है यहाँ से शुरुआत हुई है प्राइमरी ब्रोंकाई की ये प्राइमरी ब्रोंकाई है ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज दिख रहे हैं आपको ये दिए सेकेंडरी ठीक है ये दोनों के दोनों प्राइमरी ब्रोंकाई है ये आपका वॉइस बॉक्स लगा हुआ है एंड इट इज डिवाइडेड फर्दर प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी ठीक है और पूरे लंग्स में फैल जाते हैं ठीक है थीके? तो प्राइमरी ब्रोंकाई ये हो गया तो कंफ्यूज मत होइएगा ये, ये हमारे एक को बोला जाता है दो एक को बोला जाता है ब्रोंकस ठीक है दो को बोला जाएगा ब्रोंकाई ठीक है एवरी प्राइमरी ब्रोंकस इंटर अलग अलग की बात हुई ना वो अलग अलग लंग्स में आपके ठीक है चला जाएगा देखिए यहाँ से ये अलग चला जाएगा ये अलग चला जाएगा ठीक है तो ये होता है आपका प्राइमरी ब्रोंकाई अब आते हैं अपने लंग्स के ऊपर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसके बगैर तो बात ही नहीं पाएगी तो ये रहा लंग्स आपको क्या क्या लिखना है वो पूछ दें उनके अंदर से क्वेश्चन उठाते हैं मोस्टली नाइनटी नाइन परसेंट ठीक है दीज आर कवर्ड बाई मेम्ब्रेन कार्ड प्लूरा ये मैंने आपको एक्स्ट्रा ज्ञान दिया है और कुछ बुक्स में भी है अपनी ठीक है तो प्लूरा के जरिए वो अपने

पैसेज डिवाइडेड इंटू स्मॉलर एंड स्मोलर ट्यूब फाइनली टर्मिनेट द बलून लाइक स्ट्रक्चर ये key point हो गया बच्चों बलून लाइक स्ट्रक्चर चेक करिए देखिये एल्वियोलाई प्रोवाइड जो होती है अगर उनको बिछा दिया जाए तो एक टेनिस कोर्ट तैयार हो जाएगा पूरे दोनों लंग्स की तो वो प्रोवाइड करती है सर्फेस एरिया वे आर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज्लेस सबसे ज्यादा एक्सचेंज ऑफ गैसेज वही टेक्स प्लेस हो सके क्योंकि बहुत सारी होती है ब्रॉक्यूल्स में है ना बहुत सारे एल्वियोलाई जिससे जहां पे होती हैं तो वो आपका ब्रांक्यूल्स कहलाएगा एक ब्रांक्यूल ठीक है उसके अंदर बहुत एक, एक एल्वियोलाई और लास्ट को आपका है एल्वियोलाई आर द साइट ऑफ रेस्पिरेशन एल्वियोलाई जो होती है वो साइट है रेस्पिरेशन की ठीक है तो याद रखियेगा तीनों पॉइंट बलून लाइक स्ट्रक्चर आना चाहिए की पॉइंट आना चाहिए प्रोवाइड द सर्फेस एरिया मैं ब्लू करना भूल गया लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है सरफेस प्रोवाइड करता है ये देखिए आपके लिए स्ट्रक्चर मैंने तैयार किया हुआ है ठीक है ये है आपकी एलबीओलाई ये एक, एक एक एल्वियोलाई है दिस दिस वन वन और ये एक पूरा कहलाएगा बेटा ठीक है ये पूरा गुच्छा ऐसा ये ब्रांक, ये देखिए इसमें विन्स और आर्टरीज दोनों लगी हुई हैं देयर बी गो ये रहा आपका स्ट्रक्चर एल्वियोलर सैक ठीक है एलवियोलर सैक है पल्मोनरी आर्टरी है ये दी गई है आपको एल्वीलाई दी गई है ठीक है एंड ये देखो बना है पूरा पूरा हिस्सा जो आ रहा है ठीक है ये लाइक -like आपको दिख ही रहे हैं एंड द पल्मोनरी विन जो रेड कलर की है वो फ्रेश खून लेकर के जा रही है जो ब्लू कलर की है वो कार्बन डाइऑक्साइड ठीक है उसमें है ओके okay? ब्रीथिंग अब आती है ब्रीथिंग प्रोसेस अब समझ लो फिर से एक बार इसको एलवीओलाई विदिन द लंग्स द एयर पैसे डिवाइडेड इंटू एंड स्मॉलर टू फाइनली टर्मिनेट द बलून लाइक स्ट्रक्चर इतना आपको बच्चों लिखना है ठीक है एंड प्रोवाइड द सरफेस वेयर द एक्सचेंज ऑफ टेक क्योंकि एलवीओलाई एक ऐसा स्थान होता है क्योंकि वो सिंगल सेल्ड है वहीं पे ही हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है हमारा जब हम सांस लेते हैं तो कार्बन ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन हमारे लंग्स में ज्यादा हो जाता है ठीक है तो ऑक्सीजन डिफ्यूज इन हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन हमारे ब्लड में होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड तुरंत क्या होती है ठीक है हमारे लंग्स में आ जाती है क्लियर अब ब्रीथिंग की क्या क्या चीजें लिखनी होंगी आपको ब्रीथिंग की नॉलेज आपको होनी चाहिए इट इज द प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग ऑक्सीजन ठीक है एंड एक्जेलिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन ठीक है एक्जेलिंग कार्बन डाइऑक्साइड द ब्लड ब्रिंग्स कार्बन डाइऑक्साइड अब देखो ये वाला पॉइंट आपके लिए बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है द ब्लड ब्रिंग्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी एंड रिलीज इन टू द पॉइंट के नंबर मिलेंगे जब आप ब्रीथिंग बताएं ठीक है द ऑक्सीजन इन द इज टेकन अप बाय द ब्लड किसने लिया है ब्लड ने ऑक्सीजन कहां से गई आपके एल्वीलाई से ठीक है इन द एलोलर ब्लड ब्लड जो था हमारा एलव्योलाई में था ठीक है ब्लड वेसल्स टू बी ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द सेल्स इन द बॉडी सारी सेल्स में ट्रांसपोर्ट होगा फिर वहां से क्योंकि वहीं से एलव्योलाई का जो ब्लड होगा वो हो जाएगा ऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड सारा इकट्ठा होकर किस के किसके जरिए आएगा पल्मोनरी वीन के जरिए ठीक है पल्मोनरी से होता हुआ हमारे लेफ्ट एत्रियम, लेफ्ट एत्रियम लेफ्ट एट्रियम एट्रियम से एंड द बॉडी ठीक है अब देखिए ये वाला हिस्सा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पल्मोनरी एट्रियोल ये देखिए आपका ये कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन सीओ टू यानी डिऑक्सीजनेटेड ब्लड ये आया ब्लू कलर का और यह आपका है ब्लड फ्लो यह जरा पल्मोनरी वेन्यूल में छोटे छोटे होते हैं हर जगह पे और पूरा गुच्छा बना करके पूरा इकट्ठा होकर के पूरी पल्मोनरी वीन में हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड कर देते हैं बाया प्रोसेस डिफ्यूजन ठीक है याद रखिएगा व्हाट इज वॉल्यूम क्वेश्चन बनेगा लास्ट टॉपिक पे अपन आ गए हैं व्हाट इज वॉल्यूम राइट इट्स इंपॉर्टेंट क्या होता है रेसिड्यूल वॉल्यूम क्योंकि ये बेटा मेंशन है एनसीईआरटी में और पूछ भी देंगे और पूछ भी चुके हैं बच्चे ये क्वेश्चन छोड़ करके आए थे क्योंकि उन्होंने ध्यान से उस पर पढ़ा नहीं था ठीक है वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन इन द लंग्स आफ्टर एक्सपीरेशन वो हिस्सा ठीक है वो अमाउंट हमारे वॉल्यूम ऑफ एयर जो हमारे लंग्स में बचा हुआ रहता है जब हम एक्सपायर कर देते हैं सारी हवा निकालने के बाद एयर निकालने के बाद जो हिस्सा बचेगा दैट इज कॉल्ड द रेसिड्यूअल वॉल्यूम ठीक है इंपॉर्टेंस क्या होती है इंपॉर्टेंस आप नोट कर लीजिए दोनों पॉइंट के नंबर बेटा मिलते हैं आपको इतना बताना होगा ये पॉइंट और रेसिड्यल्यूम प्रोवाइड दफिशियंट टाइम दे रहा है वो आपको फॉर ऑक्सीजन डिफ्यूजन एक स्लो प्रोसेस है डिफ्यूजन स्लो प्रोसेस होने के चक्कर में हमारे पास में रेसिड्यूल वॉल्यूम होना चाहिए सपोज कर लो हम पानी में कूद गए तो वहां तो ऑक्सीजन है नहीं पानी में ठीक है डिजोल्व है वो अपन ले नहीं सकते हैं तो वहां पर हमारे पास में लंग्स के पास इतना तो अमाउंट होना चाहिए बचा हुआ पेट्रोल तो होना चाहिए कि हम थोड़ी देर तक जिंदा रह सकें और जिंदा भी रह लेते हैं जब परेशान होने लगते हैं तब तो हमारे रेसिडुअल वॉल्यूम जो होता है ऑक्सीजन की कमी होने लग जाती है तभी हम ऊपर आने की कोशिश करते हैं और ऊपर आते हैं ठीक है लेकिन यहाँ पे देखिए प्रोवाइड द दफिशियंट टाइम हमने सांस ली तो जो सांस ली एकदम से यही वाली ऑक्सीजन हमारी बॉडी में एकदम से ट्रांसफर नहीं होगी जो पहले से सांसें ले चुके हैं वो वाली ट्रांसफर होगी ठीक है तो बचा हुआ जो अमाउंट होता है वॉल्यूम होता है एयर का वो रहता है हमारे लंग्स में और उसी को बोलते हैं रेसिड्यूल वॉल्यूम ठीक है एक और क्वेश्चन बनता है इंपॉर्टेंट व्हाट इज रेस्पिरेटरी पिगमेंट ठीक है रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या है राइट इट्स फंक्शन तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट बेटा याद रख लीजिए हीमोग्लोबिन क्या है ठीक है जो होता है वो हमारा रेस्पिरेटरी पिगमेंट है रेड इन कलर ठीक है किस में होता है हमने लिख दिया है आरबीसी में होता है इज रेस्पिरेटरी पिगमेंट ये पहला पॉइंट आपका चेक हो जाएगा ठीक है ज्यादा कोई टेंशन नहीं इसमें सिर्फ आपको हीमोग्लोबिन लिख दोगे आरबीसी जो मैंने लिखा है चलेगा बच्चे लिख देते हैं हीमोग्लोबिन चेक करना पड़ता है क्योंकि ऑप्शन सही है वो यार क्वेश्चन का आंसर सही है इट कैरी ऑक्सीजन आप देखिए अब ये फंक्शन लिखना पड़ेंगे right it's function, तो तो दो बहुत है है ठीक आप देखिए ये ये point हो गया और आप इसे दूसरे में लिखना चाहें तो अलग भी लिख दें brings CO2 from body to the lungs, इसका भी तो काम होता है जब ठीक है हीमोग्लोबिन बनेगा जब ऑक्सीजन लेके जाएगा हीमोग्लोबिन बनाएगा तब कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के आएगा हमारे लंग्स तक ठीक है तो ये दो पॉइंट हो गए और तीसरा जो लास्ट चेक होता है इट हैज वेरी हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन ऑक्सीजन के लिए इसकी बहुत ज्यादा एफिनिटी होती है बहुत ज्यादा लगाव होता है कैप्चर कर लेगा क्लियर तो यह बात हुई आपके रेस्पिटल वॉल्यूम की रेस्पिरेटरी पिगमेंट की इन विच फॉर्म एक और क्वेश्चन बनता है आपके लिए जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है शायद अगर बहुत कठिन पेपर हुआ तो यह क्वेश्चन आना चाहिए इन विच फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड सीओ टू में छोटा करना भूल गया इसका टू ठीक है लेकिन आपके समझ में आ रहा है ट्रांसपोर्टेड इन द ह्यूमन बॉडी किसकी फॉर्म में जाती है तो याद रखिए बच्चों कार्बन द डिजोल्व फॉर्म ठीक है इन ब्लड इतने आपके लिए है ठीक है वो डिजोल्व फॉर्म जो है आपकी मैं लिख के बता देता हूं आप नोट कर लीजिए उसको ठीक है पेन से ठीक है वो डिजोल्व फॉर्म है आपके लिए ठीक है वो होता है आपके लिए कार्बोनेट ठीक है सीओ थ्री माइनस माइनस Na2CO3, टू सीओ थ्री ये होता है और बाइकार्बोनेट ये भी नोट कर लीजिए आप आप ऐसे भी लिख सकते हैं ठीक है बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के फॉर्म में रहती है डिजोल्व ये लेवल का है थोड़े से लेकिन कोई भी टीचर आपसे पूछ सकता है कि किसकी फॉर्म में रहती है तुम बोले हो फॉर्म में रहती है कार्बन डाइऑक्साइड तो कौन सी फॉर्म है तो कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट आपके पास में जवाब है है उसका ठीक तो हो सकता है ये पूछ दें हो सकता है आपको पता सारी चीज होना चाहिए एनसीईआरटी में हर एक पहरे में मैं क्वेश्चन बना दिए हैं आपके लिए इस चैप्टर से तो ये हिस्सा वो तैयार हुआ जिसमें आपके कहीं पे भी मार्क्स कोई नहीं काट पाएगा सीबीएसई नहीं काट सकता मैं गारंटी ले रहा हूं इस बात की बस आप जैसा बताया है वैसा लिख करके आइएगा ठीक है जैसे जैसे मैंने बताया जो की पॉइंट बताए बस वो होना चाहिए बेहतर तरीके से थैंक्स फॉर वॉचिंग ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स ठीक है वो तैयार हो भी गया है ठीक है उसकी झलक देख लीजिए ये देखिए लिखा भी हुआ है प्रोसेस ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स विध सीबीएससी मार्किंग स्कीम टिप्स लिखा हुआ है मैंने ठीक है तो अपना ये वीडियो खत्म होता है कौन सा वाला स्टडी ऑफ रेस्पिरेशन अकॉर्डिंग टू द सीबीएससी मार्किंग स्कीम ठीक है जल्दी हम लोग वीडियो बना देंगे आपके लिए जल्दी संडे तक आ जाएगा तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो में थोड़ी सी भी नॉलेज आपकी इनहेंस हुई होगी अगर इनहेंस हुई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को शेयर करिएगा अपने स्टूडेंट्स अपने दोस्तों के साथ में ताकि वो भी नंबर ला सकें आप भी नंबर ला सकें फिर देखते हैं कि कौन नंबर लेकर के आता है ओके टेक केयर बाय अपना ख्याल रखिएगा हाफिज